यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। ईद मनाने घर जा रहे सैन्य कर्मी औरंगजेब को अगवा कर मौत के घाट उतारने के बाद आतंकियों ने उन्हें यातनाएं देने का वीडियो जारी किया है। सैन्य कर्मी औरंगजेब को गोली मार शहीद करने से पूर्व आतंकियों ने बेरहमी से पिटाई की। जवान के कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी, चेहरे पर भी मारपीट के निशान साफ नजर आ रहे हैं। शुक्रवार दोपहर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में आतंकी औरंगजेब से गत दिनों मारे गए आतंकियों के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। बता दें कि वे वसीम, तलहा, समीर और कुछ अन्य आतंकियों को मार गिराने के अभियान में उसकी और मेजर शुक्ला की भूमिका के बारे में पूछ रहे हैं। मुठभेड़ के दौरान मारे गए आतंकियों के चेहरे गोलियों से बिगड़ने पर आतंकियों से पूछ रहे थे कि हालांकि किसी आतंकी का वीडियो में चेहरा नजर नहीं आ रहा, लेकिन उनकी आवाज साफ सुनाई देती है। एक आतंकी पूछ रहा है कि उनके साथियों के शवों के साथ बेरुमती किसने की है। जवान के शरीर पर 6 से 7 गोलियां मारी गई। इसके अलावा शरीर के विभिन्न हिस्सों पर यातनाएं देने के निशान भी पाए गए। तो आपको बता दें, औरंगजेब जो कि एक सैन्य कर्मी था, ईद मनाने के लिए अपने घर जा रहा था, लेकिन इसी बीच उसे आतंकियों के द्वारा अगवा किया जाता है और उसके बाद उसकी मौत कर दी जाती है। और वहीं पर अब आतंकियों ने एक वीडियो जारी किया है जो कि उनकी मौत से पूर्व का बताया जा रहा है, जहां पर वो भूमिका की पूछ रहे हैं। मेजर शुक्ला की जो आतंकियों को गिराने की भूमिका है उसके बारे में औरंगजेब से जानकारी ले रहे हैं।